लकी लैबुशेन वहां बैटिंग कर रहे हैं, और या तो मैं कह दूं कि मार्नस लकी शेन, दो बार उनका कैच ड्रॉप हुआ पार्थिव। एक बार तो वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था नवदीप सैनी की गेंद पर, उनको स्क्वायर अप करा, अजिंक्य रहा ने गली में खरीदे। आपको लगा कि वो सरप्राइज हो गए थोड़ा उस कैच से, क्योंकि वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था? आई थिंक यस, हाथ में था कैच, आई थिंक सरप्राइज इसलिए हुए शायद कि बाउंस थोड़ा ज्यादा हुआ, जिस तरह से लबुशेन खेले उनको वो भी सरप्राइज हुए थे, उनको भी नहीं लगा कि इतना ऊपर गेंद आएगा। और अजिंक्य के लिए भी आई थिंक एक वो ऑकवर्ड हाइट पे था कि आप फिंगर पॉइंटिंग अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स करेंगे, उसमें वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए, वो जो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन हाइट की जो हम बात कर रहे थे वहां पे वो कैच आया, इसलिए ये छूट गया, और शायद वो पेस भी जज नहीं कर पाए थे। जी हाँ, बाउंस और पेस बहुत जरूरी होती है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये सिर्फ एक कैच नहीं था मानस लकी शेन का जो छूटा, दूसरा कैच भी छूटा। टी नटराजन आए राउंड द विकेट, उन्होंने एज निकाला मानस लैबुशेन का, और वो एज गिरा ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा के बीच, ऑलमोस्ट कैरी नहीं करा वो चेतेश्वर पुजारा को। पार्थिव, इस पिच पर भी जहां बाउंस और कैरी है वहां पर भी कैरी नहीं कर रहे हैं कैचेस, ऐसा क्यों है? आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है कि विकेट कीपर कहाँ खड़ा रहता है, क्योंकि विकेट कीपर भी डिसाइड करता है कि स्लिप्स कहाँ खड़ी रहेंगी, कितने डिस्टेंस पे खड़ी रहेगी। अगर आज सुबह का भी अगर रोहित शर्मा का कैच देखेंगे तो डेविड वार्नर का जेन्युइन एज लगा था, लेकिन वो कैरी नहीं कर पाया, इसलिए शायद विकेट कीपर थोड़ा सा पीछे खड़े रहे, ऐसा मुझे लग रहा था। और दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट वो था कि लबुशेन जब आगे खड़े रहे थे, जितना ऑलमोस्ट इतना आगे खड़े थे जब नटराजन गेंदबाजी कर रहे थे, तो आप फुट डिस्टेंस इस तरह से डिसाइड करते हैं कि एज कैरी होगा कि नहीं आपके पास, और जितना बैट्समैन आगे खड़ा रहता है तो बल्ले को लगने के बाद गेंद थोड़ी सी डिप कर जाती है जल्दी, तो वो एज अ विकेट कीपर आपको जज करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लग रहा था इसमें आई थिंक वहां पे ऋषभ पंत और पीछे खड़े थे, नॉट बिकॉज ऑफ बाउंस ऑफ द विकेट, बट बिकॉज ऑफ लबुशेन कहां बैटिंग कर रहे थे, कितना क्रीज से आगे खड़े रहे थे, उस हिसाब से खड़े रह सकते थे। जी पार्थिव, क्या विकेट कीपर का पोजीशन, स्पेशली जब ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना होता है, क्या वो डिक्टेट करता है स्लिप का पोजिशनिंग भी इन रिगार्ड टू कहां खड़े हो रहे हैं वो लोग? बिल्कुल, ये सारा विकेट कीपर के हाथ में ही है, क्योंकि विकेट कीपर को पता है कि कौन सी हाइट पे उनको क्या बॉल कैरी करना है, कितना डिस्टेंस पर अपने फर्स्ट स्लिप के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो फर्स्ट स्लिप और विकेट कीपर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा अगर आपका लेफ्टी फील्डर है फर्स्ट स्लिप में तो वो विकेट कीपर के बीच में कैच कर सकता है, पर आप वो बिल्कुल विकेट कीपर के ऊपर डिसाइड करता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, उस हिसाब से फर्स्ट स्लिप एडजस्ट करेंगे। और आगे पीछे का भी सेम सिचुएशन है कि कितना पीछे फर्स्ट स्लिप खड़ी रहेगी, कितना आगे फर्स्ट स्लिप खड़ी रहेगी, वो सब कुछ विकेट कीपर के हाथ में ही है, वो ही डिसाइड करता है।